अभी तो गरम है, अभी इसको और लगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता की फैमिली। और अभी सुबह का बज रहे हैं 8, तो आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? और मेरे हाथ अभी खाना बनेगा, और खाना बन जाएगा उसके बाद ये देखिए गुलाब जामुन का पैकेट है, इसे बनाएंगे। ये 200 ग्राम का पैकेट, बहुत दिन से रखा हुआ था, इसको थोड़ा सा गंदा भी हो गया है। और बनाएंगे, इसका रेसिपी आप लोग ज़रूर देखना। मेरे यहाँ कितना सारा सीम है, देखिए सब जियो वोडाफोन, ये देखिए कैसा, ये सब सब बेकार हो चुका है, इसको फेंकना है। और ये बाबू कर रहा है बदमाशी, मम्मी काम कर रहे हैं तो बाबू कर रहा है शैतानी। पहले खाना बना लेते हैं, ये नहा धो हो रेडी, और पहले खाना बना लेते हैं उसके बाद फिर बनाएंगे। और पहले आपको दिखा दे बाबू क्या कर रहा है। सर जाने दो ना बेटा, बाबू सर जाने दो। हाँ और अभी मार्केट में जाना है, मार्केट से सामान भी लाना है। इसे बाबू को खाता है बॉर्नविटा, इसका बॉर्नविटा भी ख़त्म हो गया है, बॉर्नविटा भी लाना है। और पैम्पर्स बहुत ज़रूरी है, ठंडी का दिन आ रहा है तो बिना पैम्पर्स का नहीं होगा, पैम्पर्स भी लाना है। यही सब शाम को चलेंगे मार्केट, पहले सब बना लेते हैं फिर चलेंगे मार्केट। तो फ्रेंड्स, आज कुछ बनाने वाले हैं स्पेशल, आपको तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। और आज बनाएंगे गुलाब जामुन, इतना टेस्टी गुलाब जामुन, आप 10 मिनट में रेडी कर लीजिएगा। और यहाँ पे 200 ग्राम का पैकेट था तो उसमें फाड़ लिए हैं, और ये बहुत दिन से रखा हुआ था, 2-3 महीने से रखा हुआ था, सोचे चलो आज इसको बना ही लेते हैं, बाबू का भी फेवरेट डिश है ये। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, लग रहा है जैसे कि पूरा गीला हो जाएगा, अगर ज़्यादा पानी दीजिएगा तो गीला हो जाएगा, फिर दिक्कत होगा। और थोड़ा थोड़ा पानी देके उसको सौन लेते हैं बढ़िया से, नरम हाथ से पूरा धीरे धीरे करके इसको मिला लीजिए। और जब ये मिल जाता है तो इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, और ये देखिए मिला लिए हैं तो ऐसा दिख रहा है। और इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और इसको बस अब ढक के रख देते हैं। और जब 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट या 5 मिनट ही, 5 मिनट भी हो सकता है, तुरंत भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम उतना देर में चाशनी चढ़ा लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसको और अच्छे से मिला लेते हैं, उसका जब मिल जाएगा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको बस हथेली से अच्छे से मसल मसल के, इसको पूरा नरम आटा है, इसको अच्छे से मसल लेंगे तो ये चिकना हो जाएगा, ऐसे फट जाएगा तो फिर उसमें तेल सारा सूख जाते हैं तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं बनता। इसको अच्छे से मसल लीजिए। और यहाँ पे चाशनी, चीनी है 1/2 किलो, और कोई भी गिलास या कटोरी से अपना आप लीजिए, जितना चीनी रहता है उतना ही पानी दीजिए, ज़्यादा ना कम कुछ नहीं, बस उतना ही देना है। तो यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिए हैं और ये गर्म हो चुका है, और इसको मिला लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वहाँ पे चढ़ा दिए हैं चाशनी, और यहाँ पे लोइया काट ले रहे हैं, गोल गोल बना लेंगे और देखते हैं कितना पीस होता है इसमें। ये देखिए कितना नरम आटा है, वो आपको दिखा रहे थे, इतना ही नरम आप सोनिए। और यहाँ पे छोटा छोटा लोई बना लेंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाना है। तो जब लोई बनाए थे तो 35 हुआ था पूरे, पैकेट में बताता है 40 होता है, लेकिन हम 40 नहीं बनाए, ज़्यादा छोटा हो जाता तो हम 35 लोई बनाए थे। और इससे ज़्यादा आप बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जितना बनाइए। हम बनाए थे तो 35 बना था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल ले लिए हैं, वहाँ पे काट लिए, और इसको पूरा गोल गोल बना लेंगे। पूरा तेल है तो तेल से, या फिर घी है तो घी से, मेरे पास तेल है, और घी नहीं था तो तेल से ही काम चला रहे हैं। तेल वाला भी टेस्ट अच्छा लग रहा था, घी ख़त्म हो गया था तो तेल से ही काम चलाए हैं, रिफाइंड तेल था। और इसको देखिए देखिए कितना सुंदर बना है गोल गोल। और यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे सारे को ऐसे थोड़ा सा मिला लीजिए, और फिर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। 35 हुआ था, देखिए मीडियम साइज़ है, ना छोटा है ना बड़ा है, 35 हुआ है। और कितना सुंदर लग रहा है देखने में, अभी छनाएगा फिर देखिएगा। पहले चाशनी को देख लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे चाशनी भी हो गई रेडी, थोड़ा सा और लगेगा,
और यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि अगर थोड़ा सा भी लसलस करे, चिकनापन लगे, तो समझिए चाशनी हो गई है रेडी। तो यहाँ पे चिकना लग रहा है थोड़ा सा मोटा, तो इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे एक कढ़ाई, कढ़ाई में गर्म हो गया है तो कढ़ाई में तेल डालते हैं, रिफाइंड तेल, फॉर्चून तेल, और आप जो भी यूज करते हैं वो आप वो तेल डालिए। हम फॉर्चून यूज कर रहे हैं, फॉर्चून डाल रहे हैं। और यहाँ पे गर्म हो गया है, अब यहाँ पे एगो पहले ट्राई कर लेते हैं कैसा है, फटता है या नहीं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। पहले आप एक छोटा सा लोई ले लेना, उसके बाद ऐसे करिएगा। तो हम इसको देख लेते हैं, देखिए कुछ नहीं हुआ था फ्रेंड्स, यकीन मानिए इतना टेस्टी बना था गुलाब जामुन। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे घर पे ही। मेरा बेटा तो घर वाला ही खाता है जो मैं बनाती हूँ, बाहर का नहीं खाता, उसको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे देखिए चाशनी कुक कर दिए थे बंद, और यहाँ पे एक देख लिए हैं कैसा बना है, तो अच्छा बना था। अब इसको निकाल ले रहे हैं, ये जो भी सारा है वो डाल दिए। और देखिए आप जितना इसको लाल करिएगा उतना अच्छा होगा, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आपको पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाते हैं कैसा बना है। और ये देखिए सारे को निकाल लिए हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अब इसको चाशनी में डालते हैं। इसमें डालेंगे, देखिए डाल दिए। हटो पैर, हटो पैर, हटो पानी दे दो। अब इसको ढक के रख देंगे, इसमें और इधर ये प्लेट लेके पहले से है रेडी। इसमें पहले मुझे चाहिए, इसमें डाले ना, इसमें डाले हैं, इसमें डाल। अच्छा ठीक है, पहले तुमको दे देते हैं ये गरम गरम ही पहले खा लेगा ना बेटा, पहले खा खा लो, उसको भी बाद में फिर लौट देंगे। ठीक है, गरम है, गरम है, कैसे खाएगा, खाने आता है। मम्मी खाना खिला, भूख लग गया बेटा। ये देखिए अभी तो गरम है, अभी इसको और लगाएंगे, देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। अभी इसमें रस जाएगा तब तो और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए देख सकते हैं इसको हो रहा है बेचैनी, पहले इसको खिला लेते हैं। ये देखिए खा रहा है बाबू। अभी उसको आधा घंटा के लिए ढक के रख दिए हैं, उसके बाद उसको देखेंगे फिर इसको खिला देंगे। कैसा लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है? सॉरी बाबू, अब सिर्फ खाना है, बोलना थोड़ी ना है। कैसा लग रहा है बेटू, मम्मा कैसी बनाई है, अच्छा लग रहा है? वेरी यम्मी। खांसी हो गया, खांसी हो गया, कोई बात नहीं, पहले आप खा लो, खांसी ठीक हो जाएगा। कैसा लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है खाने में? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू मामा, अच्छा बनाई है ना, तो और देंगे, अभी तो उसको ठंडा होगा ना फिर देंगे निकालेंगे। इसको चाशनी ऐसे लगा लगा के दे रहे हैं कि मीठा लगेगा, ऐसे मीठा नहीं लगेगा इससे भी। क्या हुआ? और सामने है कुछ बनावे के। मम्मी काला जामुन खिला, थोड़ा सा सूख देते काला जामुन ये देखिए फ्रेंड्स, जब ठंडा हो गया है एक घंटे बाद, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, टूट रहा है ना। और काला जामुन खाया ना बेटा, ये खाना जरूरी है, कल खा लेना बेटा। कल काला जामुन खाया ना, ये क्या है? किंडर जॉय खाएगा, किंडर जॉय खाएगा, इसको फाड़े, इसको फाड़, इसमें क्या निकलेगा, इसमें
निकालो, ये तो टॉफी निकल गया। देखो टॉफी निकल गया, किंडर जॉय खाएगा। ये देखिए मम्मी, किंडर जॉय खाना है। चम्मच गो गया, ये रहा चम्मच। ये खा लिया। अब इसकी बारी, इसमें क्या निकलेगा? अभी तो इसको निकाल, इसको निकाल दे, इसको निकाल दे। लो फाड़ो उसको, फाड़ेंगे। इसमें क्या है देखो, क्या निकल रहा है? एक खिलौना निकल गया। खिलौना है ये, टॉय को बनाना पड़ेगा बेटा। ये मैन है, और क्या है, झूला है क्या बेटा? इसको झूला है। चलो इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इससे पता चल। इसको लगा दूँ ना। ये देखो क्या बनेगा इसमें, देखिए क्या निकला। इसको बनाओ ना तुम, क्या निकला? ये देखिए स्टिकर भी है, इसको साटेंगे। देखिए क्या लेके आए थे कल, क्या है, चूड़ा है, तो पोहा बोलते हैं, 1 kg है। और ये खुल चुका है, ब्रेड था, ब्रेड लेके आए हैं। और ये बॉर्नविटा है, एक बॉर्नविटा लिए थे। और ये है पार्ले जी बिस्किट, ये कितना वाला है, 25 वाला है। और ये ओरियो बिस्किट, ये सब बाबू का फेवरेट है। और लाए हैं 2 बिटानिया केक, 15 वाला है। और ये 2 मैगी। सब बाबू का फेवरेट है ये सब, सिर्फ यही चुना था। ये देखिए 2 किटकैट, ये 2 फाइव स्टार, 2 मंच, मंच 3 था, 1 खा लिया है, इसमें नहीं खा लिया है, इतना सामान लाए थे। ये ब्रेड 50 का पड़ा था। आपको दिखाते हैं, देखिए फ्रेंड्स अच्छा खासा चूना लग गया है ये। और ये तो मेरा जरूरत था, हम लाए हैं, लेकिन इतना सारा बाबू चूना लगाया है, इतना सारा आप देख सकते हैं। और वीडियो में आप देख चुके होंगे कि ये लड़का किंडल जॉय लाया, तुरंत खा लिया, ये सब उसको याद नहीं है। अभी दिख रहे होंगे गेट लगा दिए हैं, तब तो आप लोग दिखा रहे हैं, नहीं तो ये तुरंत सब बोलेगा फाड़ दो फाड़ दो, कुछ भी रखने वाला नहीं है। तो पहले हम वीडियो बना लेते हैं, और ये कल का वीडियो या आज का वीडियो, आज सुबह में ही नहा धो के हम लोग रेडी हो गए, उसके बाद अभी गेट लगा दिए हैं, उसके बाद अभी ये सोचे दिखा देते हैं, वरना फिर वो आ जाएगा तो ये सारा खुलवा देगा। और अभी मैं ही देखेगा तो सबसे पहले कहेगा मम्मा मैं ही बनाऊँ, तो अभी बनाएंगे नहीं, अभी उसको रोटी खिलाना है था, तो वो खिला दिए, उसके बाद देखेंगे बना देंगे। तो ये लड़का कभी भी जाता है, ये 1 जो नहीं 3 गोलियाँ था, लेकिन हम सोचे नहीं ज़्यादा, 1 बहुत महंगा पड़ जाता है, इसीलिए हम इसको नहीं लेके दिए, बस 1 गोली लेके दे दिए। बच्चा फिर रोने लगेगा, और ये उसका फेवरेट बिस्किट यही खाता है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये। ये 2 में पसंद है, और 1 में इसको ये पसंद है, तो ये ज़्यादा इसको पसंद आता है, क्योंकि इसमें क्रीम आता है तो इसको अच्छा लगता है, इसीलिए ज़्यादा खाना चाहता है। और ये किट कैट इसका फेवरेट है ये है, और एक डेरी मिल्क इसको बहुत पसंद है, तो डेरी मिल्क नहीं लिए क्योंकि इधर गर्मी पड़ता है, तो डेरी मिल्क नहीं लिए हैं, पिघल जाएगा, इसीलिए डेरी मिल्क नहीं लिखा। और ये पिघले गए कि थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें जल्दी नहीं पिघलता है, इसलिए लिए हैं। तो फ्रेंड्स
वीडियो करते ही एंड, और मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।